दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले है आज की वीडियो में तो कैटरी एक्सम बाईस की तमिल भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखित और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको बेबह सोनम विवाद जवा बाजवा लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गांव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गाँव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले बहुत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी विभागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थ थम, थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बड़सठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआँ खोदते समय ज़मीन घिसक जाती है और कुआँ बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आएं। उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी खींच खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से अभूसणों से भरा था यह देखकर संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन छतग्र से को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देख वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएँ में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और मुगम से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देता है और उन्होंने सभी शवों को कुएँ में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी मुझे पता हैं मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स में सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग न्याम डूस टेन तो ऑफ टू फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन दो हज़ार बाईस में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले है आज की वीडियो में तो, तो कैटरी एक्सम बाईस की तमिल भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखित और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको बेबह सोनम बाजवा वर लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ बाईस को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गाँव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलयुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले भूत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी भागते हैं उस क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरा उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बड़ा सर में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साहबत को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय जमीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आए उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के भूसों से अभूसणों से भरा था या देख संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएँ में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन क्षतिग्रस्त लिम्पों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देखकर वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएं में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मास की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देते हैं और उन्होंने सभी सवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देख के पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन जिस लोग देखना चाहते हैं कई वो टी टी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स नेटफे सफर के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन आउट फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले आज की वीडियो में तो दो तो कैटरी एक्सम की तमिल भाषा की हॉरल कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखित किया गया था फिल्म में आपको सोनम विवाद जवा जवाब लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका हैं फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है या फिल्म पाँच अगस्त सौ बाईस को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गाँव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सौ उन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडे से किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले भूत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जानने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी भागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें होना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बाड़सठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय ज़मीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आएं। उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खी, खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से भरा था यह देखकर संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन क्षतिग्रस्त लिम्पों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएं में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देख वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएँ में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएँ को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देता है उन्होंने सभी शवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देख के पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कहीं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स में सफ्यूसर के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन ऑफ टू फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन दो हज़ार बाईस में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी हम बताने वाले आज की वीडियो में तो दो कैटरी की तमिल भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखे और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको वे बहुत सोनम बाजवा वर लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त चौंह को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गांव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गांव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ताओं गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले बहुत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हैं वे जहाँ भी भागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बड़सठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय ज़मीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आए उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से अभूसणों से भरा था या देखकर संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएँ में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन छतग्रत लिम्पों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देखकर वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएं में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मास की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी अरुमुगम से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्योहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देता है और उन्होंने सभी शवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख के पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स नेटफिल्स में के नेट पे साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन तो ऑफ ए फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले है आज की वीडियो में तो दो कटरी एक्सम की तमिल भाषा की हॉरल कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी द्वारा लिखे और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको बेबहु सोना बात जवा लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका हैं फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गाँव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडों से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दी थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले भूत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जानने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हैं वे जहाँ भी भागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरा और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बासठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय जमीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आएं उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खी, खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के भूसों से अभूषणों से भरा था या देख संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएँ में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएँ में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन क्षतिग्रस्त लिम्पों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देखकर वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएं में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्योहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देते हैं और उन्होंने सभी सवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी मुझे पता हैं मूवी बहुत बेहतर जो लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स नेटफिलिक्सन के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन ऑफ टू फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले आज की वीडियो में तो दो तो कैटरी एक्समास की तमिल भाषा की हारल कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी द्वारा लिखे लिखित उदित किया गया था फिल्म में आपको वे बहुत सोनम बाजवा वर लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गांव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गाँव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले बहुत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी विभागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थ थम, थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बड़सठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआँ खोदते समय ज़मीन घिसक जाती है और कुआँ बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आएं। उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी खींच खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से अभूसणों से भरा था या देख संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन छतग्र से को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देख वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएँ में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देता है और उन्होंने सभी शवों को कुएँ में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देख के पता हैं मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर सफ्यूसर के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग न्याम डूस टेन ऑफ टू फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन दो हज़ार बाईस में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले है आज की वीडियो में तो कैटरी एक्सम बाईस की तमिल भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखित और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको बेबह सोनम बाजवा वर लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ बाईस को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गाँव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलयुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ताओं गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले भूत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी भागते हैं उस क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरा उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बड़ा सर में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साहबत को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय जमीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आए उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के भूसों से अभूसणों से भरा था या देख संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएँ में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन क्षतिग्रस्त लिंपों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देखकर वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएं में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मास की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देता है और उन्होंने सभी सवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देख के पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन जिस लोग देखना चाहते हैं कई वो टी टी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स नेटफे सफर के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन आउट फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले आज के वीडियो में तो दो कैटरी एक्सम की तमिल भाषा की हॉरल कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी लिखे द्वारा लिखित किया गया था फिल्म में आपको सोनम विवाद सोना जवाब लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका हैं फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है या फिल्म पाँच अगस्त सौ बाईस को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गाँव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्द्र उन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडे से किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले भूत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जानने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी भागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें होना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बाड़सठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय जमीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आएं। उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से भरा था यह देखकर संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक खराब हो गए जब उसने उन क्षतिग्रस्त लिम्पों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएं में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देख वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएँ में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएँ को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देता है उन्होंने सभी शवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मुझे देखते पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इस बुक को नेटफ्लिक्स में सब्सक्रिप्शन ने के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन ऑफ टू फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन दो हज़ार बाईस में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी हम बताने वाले आज की वीडियो में तो दो तो कैटरी की तमिल भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखे और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको वे बहुत सोनम बाजवा वर लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है या फिल्म पाँच अगस्त चौंह को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गांव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गांव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ताओं गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले बहुत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हैं वे जहाँ भी भागते हैं उस क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बड़सठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय ज़मीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आए उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से अभूसणों से भरा था या देखकर संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन छतग्रत लिम्पों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देखकर वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएं में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मास की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी अरुणम से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्योहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देता है और उन्होंने सभी शवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख के पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं इस मूवी को नेटफिल्स पर के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन ऑफ ए फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले है आज की वीडियो में तो दो कैटरी एक्सम की तमिल भाषा की हॉरल कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी द्वारा लिखे और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको बेबहु सोना बात जवा लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका हैं फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गाँव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडों से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दी थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गाँव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले भूत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जानने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हैं वे जहाँ भी भागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरा और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बासठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय जमीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आएं उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खी, खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के भूसों से अभूसणों से भरा था या देख संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएँ में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएँ में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन क्षतिग्रस्त लिम्पों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देखकर वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएं में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मास्क की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देते हैं और उन्होंने सभी सवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी मुझे पता हैं मूवी बहुत बेहतर जो लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स नेटफिलिक्सन के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन ऑफ टू फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले आज की वीडियो में तो दो कैटरी एक्समास की तमिल भाषा की हारल कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी द्वारा लिखे लिखित उदित किया गया था फिल्म में आपको वे बहुत सोनम बाजवा वर लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गांव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गाँव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले बहुत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी विभागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थ थम, थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस सड़सठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआँ खोदते समय ज़मीन घिसक जाती है और कुआँ बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आए उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी खींच खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से अभूसणों से भरा था या देख संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन छतग्र से को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देख वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएँ में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देता है और उन्होंने सभी शवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देख के पता हैं मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर सफ्यूसर के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग न्याम डूस टेन ऑफ टू फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन दो हज़ार बाईस में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले है आज की वीडियो में तो कैटरी एक्सम बाईस की तमिल भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखित और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको बेबह सोनम बाजवा वर लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ बाईस को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गाँव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सौ उन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलयुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण का कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले भूत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी भागते हैं उस क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरा उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बड़ा सर में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साहबत को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय जमीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आए उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के भूसों से अभूसणों से भरा था या देख संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएँ में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन क्षतिग्रस्त लिंपों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देखकर वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएं में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मास की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देते हैं और उन्होंने सभी सवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देख के पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन जिस लोग देखना चाहते हैं कई वो टी टी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स नेटफे सफ्यूशन के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन आउट फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले आज के वीडियो में तो दो कैटरी एक्सम की तमिल तो भाषा की हॉरल कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखित किया गया था फिल्म में आपको बेबहु सोनम विवाद जवा लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका हैं फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ बाईस को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गाँव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सौ उन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडे से किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले भूत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जानने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी भागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें होना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बासठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय ज़मीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आएं। उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खी, खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से भरा था यह देखकर संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक खराब हो गए जब उसने उन क्षतिग्रस्त लिम्पों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएं में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देख वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएँ में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएँ को मानो मास्क की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देते हैं और उन्होंने सभी शवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देख के पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कहीं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे सफ्यूसर ने के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन ऑफ टू फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन दो हज़ार बाईस में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी हम बताने वाले आज की वीडियो में तो दो कैटरी की तमिल भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखे और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको वे बहुत सोनम बाजवा वर लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है या फिल्म पाँच अगस्त तो चौंह को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गांव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गांव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ताओं गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले बहुत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हैं वे जहाँ भी भागते हैं उस क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बड़सठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साहबत को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय ज़मीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आए उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से अभूसणों से भरा था यह देखकर संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन छतग्रत लिम्पों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देखकर वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएं में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी अरुमुगम से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्योहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देता है और उन्होंने सभी शवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख के पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इस मूवी को नेटफिल्स पर के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन ऑफ ए फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले है आज की वीडियो में तो दो कटरी एक्सम की तमिल भाषा की हॉरल कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी द्वारा लिखे और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको बेबहु सोना बात जवा लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका हैं फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गाँव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडों से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दी थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले भूत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जानने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हैं वे जहाँ भी भागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरा और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बासठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय जमीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आएं उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के भूसों से अभूसणों से भरा था या देख संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएँ में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएँ में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन क्षतिग्रस्त लिम्पों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देखकर वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएं में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्योहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देते हैं और उन्होंने सभी सवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी मुझे पता हैं मूवी बहुत बेहतरीन जो लोग देखना चाहते हैं कहीं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स नेटफिलिक्सन के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन ऑफ टू फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले आज की वीडियो में तो दो कैटरी एक्समास की तमिल भाषा की हाररल कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखित उदित किया गया था फिल्म में आपको वे बहुत सोनम बाजवा वर लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गांव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ताओं गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गाँव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले बहुत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी विभागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थ थम, थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बसठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआँ खोदते समय ज़मीन घिसक जाती है और कुआँ बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आएं। उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी खींच खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से अभूसणों से भरा था या देख संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन छतग्र से को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देख वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएँ में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और मुगम से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देता है और उन्होंने सभी शवों को कुएँ में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देख पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्सन के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग न्याम डूस टेन तो ऑफ टू फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन दो हज़ार बाईस में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले है आज की वीडियो में तो, तो कैटरी एक्सम बाईस की तमिल भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखित और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको बेबह सोनम बाजवा वर लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ बाईस को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गाँव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलयुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले भूत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी भागते हैं उस क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरा उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बड़ा सर में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साहबत को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय जमीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आए उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के भूसों से अभूसणों से भरा था या देख संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएँ में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन क्षतिग्रस्त लिम्पों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देखकर वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएं में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मास की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और मुगम से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देते हैं और उन्होंने सभी सवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देख के पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन जिस लोग देखना चाहते हैं कई वो टी टी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स नेटफे सफर के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन आउट फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले आज के वीडियो में तो दो कैटरी एक्सम की तमिल भाषा की हॉरल कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी द्वारा लिखित और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको सोनम विवाद जवा जवाब लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका हैं फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है या फिल्म पाँच अगस्त सौ को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बाक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गांव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्द्र उन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडे से किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले भूत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जानने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी भागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें होना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बासठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय ज़मीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आएं। उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खी, खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से भरा था यह देखकर संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक खराब हो गए जब उसने उन क्षतग्र से को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएं में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देख वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएँ में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएँ को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देते हैं और उन्होंने सभी शवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मुझे देखते पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इस बुक को नेटफ्लिक्स पे सब्सक्रिप्शन ने के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन ऑफ टू फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन दो हज़ार बाईस में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी हम बताने वाले आज की वीडियो में तो दो तो कैटरी की तमिल भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखे और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको वे बहुत सोनम बाजवा वर लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है या फिल्म पाँच अगस्त चौबाईस को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गांव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गांव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सौ उन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ताओं गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले बहुत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हैं वे जहाँ भी भागते हैं सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बड़सठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साहबत को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय ज़मीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आए उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खी, खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से अभूसणों से भरा था या देखकर संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन छतग्रत लिंपों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देखकर वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएं में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मास की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्योहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देता है और उन्होंने सभी शवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख के पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इस मूवी को नेटफिल्स पर देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन ऑफ ए फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले है आज की वीडियो में तो दो कैटरी एक्सम की तमिल भाषा की हॉरल कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी द्वारा लिखे और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको बेबहु सोना बात जवा लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका हैं फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गाँव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडों से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दी थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले भूत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जानने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हैं वे जहाँ भी भागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरा उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बासठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय जमीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आएं उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खी, खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के भूसों से अभूषणों से भरा था या देख संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएँ में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएँ में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन क्षतिग्रस्त लिम्पों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देखकर वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएं में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देते हैं और उन्होंने सभी सवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी मुझे पता हैं मूवी बहुत बेहतरीन जो लोग देखना चाहते हैं कहीं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स नेटफिलिक्सन के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन तो ऑफ टू फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले आज की वीडियो में तो दो कैटरी की तमिल भाषा की हॉरल कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखित उदित किया गया था फिल्म में आपको वे बहुत सोनम बाजवा वर लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गांव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ताओं गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गाँव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले बहुत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी विभागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थ थम, थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बड़सठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआँ खोदते समय ज़मीन घिसक जाती है और कुआँ बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आएं। उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी खींच खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से अभूसणों से भरा था या देख संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन छतग्र से को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देख वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएँ में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देता है और उन्होंने सभी शवों को कुएँ में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देख के पता हैं मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कहीं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स मू नेटफ्सन के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग न्याम डूस टेन तो ऑफ टू फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन दो हज़ार बाईस में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी बताने वाले है आज की वीडियो में दो कैटरी एक्सम बाईस की तमिल भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखित और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको बेबह सोनम बाजवा वर लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ बाईस को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गाँव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलयुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले भूत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी भागते हैं उस क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरा उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बड़ा सर में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साहबत को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय जमीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आए उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के भूसों से अभूसणों से भरा था या देख संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएँ में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन क्षतिग्रस्त लिम्पों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देखकर वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएं में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देते हैं और उन्होंने सभी सवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देख के पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन जिस लोग देखना चाहते हैं कई वो टी टी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स नेटफे सफर के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन आउट फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले आज के वीडियो में तो दो कैटरी एक्सम की तमिल भाषा की हॉरल कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखित किया गया था फिल्म में आपको बेबहु सोनम विवाद जवा लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका हैं फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है या फिल्म पाँच अगस्त सौ बाईस को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गाँव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सौ उन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडे से किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें Osionfish. और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले भूत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जानने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी भागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें होना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बाड़सठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय ज़मीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आएं। उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खी, खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से भरा था यह देखकर संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक खराब हो गए जब उसने उन क्षतिग्रस्त लिम्पों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएं में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देख वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएँ में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएँ को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देते हैं और उन्होंने सभी शवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देख के पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इस बुक को नेटफ्फ्लिक्स में सफ्यूसर के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन ऑफ टू फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन दो हज़ार बाईस में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी हम बताने वाले आज की वीडियो में तो दो कैटरी की तमिल भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखे और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको वे बहुत सोनम बाजवा वर लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त चौंह को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गांव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गांव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ताओं गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले बहुत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हैं वे जहाँ भी भागते हैं उस क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बड़सठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय ज़मीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आए उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खी, खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से अभूसणों से भरा था यह देखकर संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन छतग्रत लिम्पों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देखकर वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएं में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मास की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी अरुणम से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्योहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देता है और उन्होंने सभी शवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख के पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स नेटफिल्स में के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन ऑफ ए फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले है आज की वीडियो में तो दो कटरी एक्सम की तमिल भाषा की हॉरल कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी द्वारा लिखे और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको बेबहु सोना बात जवा लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका हैं फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गाँव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडों से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण का कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले भूत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जानने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी भागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरा उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बासठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय जमीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आएं उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खी, खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के भूसों से अभूषणों से भरा था या देख संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएँ में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन क्षतिग्रस्त लिम्पों को देखा तो रुद्र हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएं में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देखकर वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएं में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देते हैं और उन्होंने सभी सवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी मुझे पता हैं मूवी बहुत बेहतर जो लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स नेटफिलिक्सन के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन ऑफ टू फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले आज की वीडियो में तो दो तो कैटरी एक्समास की तमिल भाषा की हाररल कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखे और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको वे बहुत सोनम बाजवा वर लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गांव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गाँव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले बहुत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी विभागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थ थम, थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बसठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआँ खोदते समय ज़मीन घिसक जाती है और कुआँ बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आए उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी खींच खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से अभूसणों से भरा था या देख संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन छतग्र से को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देख वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएँ में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देता है और उन्होंने सभी शवों को कुएँ में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देख के पता हैं मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स में सफ्यूसर के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन ऑफ टू फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन दो हज़ार बाईस में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले है आज की वीडियो में तो कैटरी एक्सम बाईस की तमिल भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखित और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको बेबह सोनम विवाद जवा वर लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ बाईस को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गाँव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलयुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण का कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले भूत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी भागते हैं उस क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरा उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बड़ा सर में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साहबत को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय जमीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आए उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के भूसों से अभूसणों से भरा था या देख संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएँ में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन क्षतिग्रस्त लिम्पों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देखकर वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएं में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मास की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देते हैं और उन्होंने सभी सवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देख के पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन जिस लोग देखना चाहते हैं कई वो टी टी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स नेटफे सफ्यूशन के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन आउट फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले आज के वीडियो में तो दो तो कैटरी एक्सम की तमिल भाषा की हॉरल कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी द्वारा लिखे लिखित निर्दित किया गया था फिल्म में आपको बेबहु सोनम विवाद जवा लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका हैं फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ बाईस को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गाँव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सौ उन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडे से किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण का कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले भूत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जानने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी भागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें होना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बासठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय ज़मीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आएं। उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खी, खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से भरा था यह देखकर संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक खराब हो गए जब उसने उन क्षतिग्रस लिम्पों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएं में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देख वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएँ में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएँ को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देते हैं और उन्होंने सभी शवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी देख के पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इस बुक को नेटफ्लिक्स पे सफ्यूसर के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन ऑफ टू फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन दो हज़ार बाईस में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी हम बताने वाले आज की वीडियो में तो दो कैटरी की तमिल भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखे और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको वे बहुत सोनम बाजवा वर लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त चौबाईस को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गांव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गांव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ताओं गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले बहुत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हैं वे जहाँ भी भागते हैं उस क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बड़सठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साहबत को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय ज़मीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आए उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी खींच खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से अभूसणों से भरा था यह देखकर संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन छतग्रत लिम्पों को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देखकर वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएँ में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएँ को मानो मास की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी अरुमुगम से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्योहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देता है और उन्होंने सभी शवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख के पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स नेटफिल्स में के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले है आज की वीडियो में तो दो कैटरी आज की तमिल भाषा की हॉरल कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी द्वारा लिखे और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको बेबहु सोना बात जवा लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका हैं फिल्म में आपको कोई कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच अगस्त सौ को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ अड़सठ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गाँव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडों से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दी थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले भूत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जानने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी भागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थम् थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरा और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बासठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआं खोदते समय जमीन घिसक जाती है और कुआं बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आएं उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी की खी, खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के भूसों से अभूषणों से भरा था या देख संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएँ में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएँ में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन क्षतिग्रस्त लिम्पों को देखा तो रुद्र हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएं में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देखकर वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएं में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देते हैं और उन्होंने सभी सवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी मुझे पता हैं मूवी बहुत बेहतर जो लोग देखना चाहते हैं कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं इस मूवी को नेटफ्लिक्स में सफ्यूसर ने के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन ऑफ टू फोर पॉइंट थ्री की दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैटरी और यह सन 2022 में आई थी तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी है बताने वाले आज की वीडियो में तो दो कैटरी एक्समास की तमिल भाषा की हारल कॉमेडी फिल्म थी जिसे डी के द्वारा लिखे और निर्णित किया गया था फिल्म में आपको वे बहुत सोनम बाजवा वर लक्ष्मी शरद कुमार और आत्मिका है फिल्म में आपको कोई फिल्म में कोई गाना नहीं और संगीत एस एन प्रसाद द्वारा रचित है इसका निर्माण कई ज्ञानवेल राजा ने अपने प्रोडक्शन बैनर स्टूडियो ग्रीन के तहत किया है यह फिल्म पाँच तो अगस्त सौ को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी बात करें स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत उन्नीस सौ के एक स्थानीय गाँव उत्सव से होती है एक व्यक्ति बिजली का खंभा काट देता है और दूसरा व्यक्ति आकार खंभे को गिरा देता है आकर के खंभे को गिरा देता है और बिजली का तार गांव के सभी लोगों को काट देता है और फिल्म सन्नीस में सेट की गई है गज्जा कलियुरुंडा और शंकर अपहरणकर्ताओं का एक समूह कामनी का अपहरण करता है और उसे नैना के पास लाता है नैना अपने गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने का आदेश देती है ताकि वे इसके बारे में किसी को बता ना सकें अपहरणकर्ता गुंडे से बचकर किरण के पहले रात के कमरे में आ जाते हैं उन्हें और उन्हें अपहरण के बारे में बताते हैं और कामनी के परिवार से बड़ी फिरौती मांगने की नैना की योजना के बारे में बताते हैं श्वेता ने उन्हें गुंडों से कामनी का अपहरण करने और बड़ी फिरौती मांगने का निर्देश दिया उसे निर्देशन के अनुसार किरण और उसके दोस्त कामनी का अपहरण कर लेते हैं और उससे मड़ी मांग मड़ी के बारे में पूछते हैं कामनी उन्हें उसके बारे में बताती है वह उसे इलाज ले रहा था और कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि वह सोने के लिए सोने के लिए खजाने की खोज पर जाने वाला था श्वेता ने ट्रू कॉलर पर मांग मांगा मड़ी का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया और वे उसकी लोकेशन पर गए ट्रू कॉलर पर दिखाई दिए थी जो गांव का नाम कोलातीपुरम है जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गाँव वालों का व्यवहार अजीब होता है और उन्हें एहसास होता है कि गाँव वाले बहुत हैं या वे लोग हैं जिनकी उन्नीस सौ अड़सठ में मृत्यु हो गई थी या जाने के बाद कि गांव वाले बहुत हैं वे गांव से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे गांव से भाग नहीं पाते हुए जहाँ भी विभागते हैं उस सब क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और कामनी उन्हें बताती कि शंकर को एक भूत मथम्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने उसे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ श्वेता ने उन्हें सोना प्राप्त करने के लिए थ थम, थम्मा से मिलाने और सवालों के सही जवाब देने के लिए का निर्देश दिया इसलिए वे मथम्मा स्थान की ओर चले पड़े और मथम्मा को देखकर कर श्वेता भाग गए और किरण और उसके दोस्त को मथम्मा ने पीटा मथम्मा अपनी कहानी बताती है जो उन्नीस बसठ में घटी थी वह उसकी बहन मोहिनी और उसके चाचा वेणु एक ही घर में रहते थे वह वेणु साबद को अपने घर के पीछे कुआं खोदने के लिए कहता है और मोहिनी को उसकी मदद करने के लिए आदेश देता है कुआँ खोदते समय ज़मीन घिसक जाती है और कुआँ बहुत गहरा हो जाता है और समन्थ मोहिनी और मथम्मा की मदद से कुएं से बाहर निकलते हैं और वे अनुरोध करते हैं कि वे कुएं की गहराई मापने के लिए एक दीवार लेकर आए उन्होंने दीपक सॉरी दीपक लेकर आए दीपक के चारों और रस्सी बांधी और दीपक को कुएं में डाल दिया जबकि उन्होंने रस्सी खींच खींची तो दीपक गायब था लेकिन रस्सी के साथ एक मिट्टी का बर्तन बंधा हुआ था जब उन्होंने मिट्टी का घड़ा खोला तो वह घड़ा सोने के अभूसणों से अभूसणों से भरा था या देख संपत ने उन्हें बताया कि वह अधिक सोना पाने के लिए और अधिक लैंप खरीदे जा रहे हैं और संपत के जाने के बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था कि यदि आपके पास कुछ और है तो मुझे भेजें इसलिए उन्होंने एक मुर्गी ली और उसे कुएं में फेंक दिया और इस बार उन्हें सोने से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन और एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था यदि आपके पास कुछ और है तो इसे मेरे पास भेज दो संबंध बहुत सारे दीपक लेकर वापस आया और उसने उन दीपकों को कुएं में डाल दिया लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो वे सभी दीपक ख़राब हो गए जब उसने उन छतग्र से को देखा तो क्रोधित हो गया और अरवल ले लिया और रस्सी से बांध कर कुएँ में घुस गया जब मथम्मा और मोहिनी ने रस्सी खींची तो एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया जिस पर कागज़ पर लिखा था कि इसे मुझे भेजते रहो इसे मुझे भेजते रहो और कागज़ देख वे अपने शराबी चाचा वीडियो को कुएँ में भेज देते हैं वे समझते समझ गए कि कुएं को मानो मांस की आवश्यकता है इसलिए वे एक पुलिस अधिकारी और से सौ मांगाते हैं और उसने उन्हें कुछ सौ भी दिए और एक रात वह मथम्मा के घर में प्रवेश करता है और बहुत सारा सोना देखता है तभी कैटे कैटरी ने कुएं से बाहर आकर एक पुलिसकर्मी को खा लिया और दीवार पर लिख दिया कुएं को भूखा मत करो यह जानकर उसने सभी गर्मियों को मारने और कैटरी को खिलाने की योजना बनाई त्यौहार के दौरान वह बिजली का खंभा काट देते हैं और तार लोगों को खींच देता है और उन्होंने सभी शवों को कुएं में डाल दिया तो आगे मूवी में क्या होता है मुझे देखता पता लगे मूवी बहुत बेहतरीन लोग देखना चाहते हैं कहीं टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इस मूल को नेटफे सफ्यून के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग नाम फोर पॉइंट थ्री की